ये जेसीबी 3DX है। आज के इस वीडियो में हम केपीसी का मेन बूज जो होता है बड़ा वाला, यहाँ का क्वार्टर पिन निकाला है, यहाँ का निकाला है और यहाँ का भी निकाला है। अभी इसे सिर्फ हम बाहर निकाल के इसके अंदर की बूज को चेंज करने वाले हैं। इसके पहले ये हम स्विंग सिलेंडर के रॉड की जो पिवट पिन होती है उसे निकालते हैं। हमने तीनों चारों क्वार्टर पिन खोली है, उसके बाद हमें सिलेंडर के आगे जो रॉड होता है उसकी पिन भी निकालनी पड़ती है। ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा यहाँ पे ग्रीस नहीं होता है ठीक से तो आपको समय लग सकता है पिन निकलने में। देख सकते हैं नीचे की भी पिन निकाली है हमने सिलेंडर के, और ये केपीसी की मेन पिन होती है। ये ड्राइव हो चुका है, इसमें काफ़ी ग्रीस जो है कम निकला है, तो थोड़ी सी तकलीफ दे रही है पिन। इस तरह से एक बंदा ऊपर से खींचेगा और एक बंदा नीचे से कोई टॉमी वगैरह लगा के हथौड़ी से मारेगा तो ये पिन ऊपर आएगी इस तरह से, ये देखिए। और इस पर लोड नहीं होना चाहिए, नीचे की पिन तो आराम से निकल गई, ऊपर की थोड़ी दिक्कत दे रही है क्योंकि थोड़ा सा लोड भी आता है इस पर, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि हम करते हैं तो तुरंत हो जाता है और आप करेंगे तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं, हमें भी बहुत टाइम लगता है कभी कभी काम करने में। एक देख सकते हैं, एक पिन बिल्कुल हिल नहीं रहे वहाँ पे, आधे जगह पे आ चुकी हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के उसको खींचूँगा ऊपर की तरफ, सेफ्टी से काम करना है आपको। एक्चुअल मैं हमेशा सेफ्टी शूज यूज़ करता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग काम के लिए आए थे और अलग काम हुआ है, नहीं तो सेफ्टी शूज हमेशा रहता है मेरे पास और रहना भी चाहिए। कोई पिन अगर पैरों पे गिर जाती है तो रिस्की होता है। इस तरह से हमने अभी टोटल चार पिन निकाली, ये पिन की कंडीशन देख सकते हैं आप, ग्रीस ठीक से नहीं हुआ है किस रीज़न से, तो पिन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए। तो हमें सिर्फ मालिक ने बोला है, कस्टमर ने, कि हमारी जो मेन दो बुश है वो चेंज करनी है और जो पैड होता है नीचे थर्स पैड वो भी चेंज करना है, इतना ही बोला है। तो आज की वीडियो में हम उतना ही करेंगे। पिन निकालने के बाद हमें केपीसी देख सकते हैं आप, मशीन थोड़ा आगे लिया है तो केपीसी में किंग पोस्ट कैरियर और केपीसी में गैप हो चुका है, पाइप कोई भी हमने खोला नहीं है। ध्यान से देखिए, बस मशीन थोड़ी सी आगे ली है हमने। ये काम करते समय आपको वीडियो में देख के पता नहीं चलेगा सिर्फ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और रिस्की हो सकता है, तो बिना ट्रेनिंग और बिना जानकारी के आपको ये काम नहीं कर लेना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है आपको। तो इस तरह से हम गैप करते हैं सबसे पहले केपीसी कैरियर और किंग पोस्ट में, देख सकते काफ़ी गैप है, पूरा नहीं करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस और सपोर्ट किंग पोस्ट का रखना चाहिए कैरियर पे ताकि किंग पोस्ट नीचे ना गिरे। ये देख सकते हैं पुरानी वाली बुश किस तरह से वेयर आउट हो चुकी है। तो ये बुश हमने निकाली है ऊपर की और नीचे की, ये देखिए थोड़ी सी अटक चुकी है। जो बुश का जो केपीसी में डायमेंशन होता है थोड़ा सा अबलोंग हो चुका है, अराउंड में नहीं रहा है। और ये देखो बुश की भी हालत, इसकी वजह से जब बकेट चलाता हुआ था ऑपरेटर तो काफ़ी प्ले उनको महसूस होता था। ये रिप्लेस करने के बाद जो प्ले है वो ज़्यादा वाला एक्सेस वाला वो चला जाएगा। तो पिन का, ये नीचे वाला पिन है, इसकी भी थोड़ा सा इस पर जो वेयर आउट हो चुका है, थोड़ा सा गाला गिरा है बुश के वहाँ पे जहाँ पे मूविंग होता है। एक बार इस तरह से चेक करना है आपको कितना गाला है, ये देखो काफ़ी हिल रहा है, ये देखो इस तरह से हिला के चेक करना है आपको पिन में और बुश में कितना गाला है, आपको पता चलेगा पुरानी, उस हिसाब से आपको क्या क्या चेंज करना है वो। अब एक बार नया डाल के देखते हैं कितना आता है, देखो नया डाला तो ज़्यादा आ रहा है। तो कभी कभी पिन में गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम होता है, इसके लिए पिन आप डालने से पहले आपको चेक
कर लेना चाहिए। ये हमने बुश निकाले हैं पुराने वाले। अब बुश निकालने के बाद इस तरह से आपको ग्रीसिंग का जो लाइन है वो ठीक है क्या नहीं, ये ग्रीस मार के पास कर लेना है ग्रीस पहले ही, नहीं तो एक बार आप नया वाला बुश लगाओगे और उसके बाद आपके ध्यान में आएगा या फिर ग्रीस नहीं पास होगा तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको फिर से खोलना पड़ेगा बुश या काम आपका ख़राब हो जाएगा। हालांकि केपीसी में थोड़ा सा गाला है, बुश उतना फिट नहीं बैठेगा, हमने मालिक को बोला है लेकिन मालिक बोला अभी के लिए इतना ही करो, नेक्स्ट टाइम देख लेते, तो जैसा मालिक बोलेगा वैसा हमें करना पड़ता है। तो बुश कभी भी देखना है आपको, बुश को अच्छी तरह से ग्रीस करना है तभी आपका बुश अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। ग्रीस नहीं करोगे तो बुश प्रेस होने में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात, आपको ग्रीस का होल ज़रूर मैच कर लेना है, अगर वो भूल जाते हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि उसको साइड में ग्रो होता है, फिर भी कोशिश करनी है कि डायरेक्ट जाएगा तो अच्छा है, घूम के ग्रीस जाने से अच्छा है आप जो ग्रीस का होल आता है उस होल के सामने ही बिल्कुल आप लगाओ। ये देखिए, इतना आसानी से एक्चुअली बुश नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, काफ़ी हम स्लो मार रहे हैं फिर भी बुश जा रहा है, यानी कि जो कैरियर होता है किंग केपीसी कैरियर, उसका जो बॉश होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा गाला, मतलब एक्सपांड हो चुका है वो वेयर आउट हो चुका है, इसके लिए आसानी से इतने बुझ जा रहा है, नहीं तो काफ़ी बड़ा प्लेट लगा के गन से ठोकना पड़ता है। ये देख सकते, बुश उतना मारना है जितना कि ऊपर ग्रीस सील बैठ सके, हमारा दोनों तरफ से सेम होना चाहिए नीचे और ऊपर से, ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है। दोनों का लेन चेक करना है, बुश एकदम सेंटर में आना चाहिए, सरफेस से नीचे जाना चाहिए बुश, वही हम चेक कर रहे हैं। ये देख सकते, थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा नीचे और चाहिए बुश, ताकि हमारा ग्रीस सील जो होता है वो ठीक से बैठ सके। बुश डालने के बाद दोनों तरफ से बुश के ग्रीस सील जरूर आपको लगाना है। ये देखिए, आराम से हो रहा है। तो अब दोनों तरफ हम इस तरह का ग्रीस सील लगाएंगे। हमारा बुश हो चुका है फिट, ग्रीस सील फिट हो चुका है ऊपर का, अब नीचे का भी करेंगे। जैसे आपने ऊपर प्रोसेस किया है बिल्कुल उसी तरह से करना है, और कुछ नहीं। बॉटम का यानी कि नीचे का जो बुश अभी हम बिटा रहे हैं उसे बिटाने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्विंग सिलेंडर के रॉड बीच में आते हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। ये देख सकते हैं आप, नीचे का ऊपर का दोनों बुश हमारे बैठ चुके हैं, एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह से ग्रीस भी लगाया है। तो थोड़ा सा वीडियो को मैंने फास्ट किया है। बुश बिटाने के बाद किंग पिन और वो सब पिन लगाने के बाद ग्रीस करना है और ट्रायल लेके आपको चेक करना है कि आप कहीं पे बीच में कोई पाइप तो अटक नहीं रहा, ये सब कुछ चेक करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।